नमस्कार दोस्तों, मैं अमर सानी अपने YouTube चैनल रिफिल फिटनेस क्लब में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं कॉलर मसल्स की एक्सरसाइज, जो कि बहुत सारे बंदे हैं कॉलर को बाइसेप्स बना लेते हैं, ट्राइसेप्स बना लेते हैं, शोल्डर बना लेते हैं, बैक बना लेते हैं, कॉलर में वीक रह जाते हैं। तो आज मैं कॉलर लेकर आया हूँ आप सबके लिए। कॉलर के दो एक्सरसाइज ऐसी बेहतरीन बताऊंगा कि कॉलर बहुत ही प्यारा उभर के आएगा। तो मैं करके दिखाऊंगा आप कैसे कैसे करना होता है। कोई भी आप वर्कआउट करते हो तो उसके बाद दो से चार सेट 12-12 रेपिटेशन के लगा सकते हो। आप कोई भी वर्कआउट करो उसके बाद दो से चार सेट 12-12 रेपिटेशन के लगा सकते हो। तो मैं कॉलर का एक्सरसाइज बताऊंगा दो। पहला हम एक रॉड लेंगे, रॉड से हम अपने शोल्डर के अंदर पकड़ेंगे, ज़्यादा गैप नहीं, कम से कम तो हाफ फुट का अंदर रहेगा, शोल्डर के अंदर पकड़ेंगे। उसके बाद बॉल को सीधा पोजीशन में लेकर चेस्ट को थोड़ा बाहर रखेंगे, चेस्ट को बाहर रखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद से उन्हें सीधे ऊपर करेंगे, अप डाउन डाउन। इससे क्या होता है कि हमारा जो कॉलर है बहुत ही प्यारा उभर के मोटा आता है। अब इसका 12-12 सेट करने हैं, 12-12 रेपिटेशन निकालने हैं चार चार सेट के। कोई भी वर्कआउट करो उसके बाद से हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट लाइट वेट लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। और उसके बाद से हम इसका भी चार सेट करेंगे 12-12 रेपिटेशन के। और इसको क्या होता है, इस प्लेट से हम बीच कोई भी वर्कआउट करें, कॉलर एक ऐसा पार्ट है कि जो कि हम बीच बीच में कर सकते हैं, वो उसको पंपिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इससे करेंगे, और इसको जब हम करेंगे तो अपने हाथ को पूरा ऐसे ओपन नहीं करेंगे, थोड़ा सा लॉक रखेंगे और अपने फेस से ऊपर नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी कॉलर की, जैसे कि मेरा हाथ लॉक है और मैंने ज़्यादा ऊपर नहीं, फेस से अंदर ही रख रहा हूँ, बस अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये हमारे कॉलर, इसका भी 12-12 रेपिटेशन निकाल लें चार चार सेट के, और ये हमारे कॉलर बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन निकल के आएगा। और कोई भी बंदा अगर जो इस एक्सरसाइज को करेगा तो कॉलर में कभी भी वीक नहीं रहेगा। तो दोस्तों देखा, आप जैसे कि देखा कि मैंने कॉलर की दो एक्सरसाइज बताया, इसको वर्कआउट के बाद करना है, और कोई भी वर्कआउट करो उसके बाद ही करना होता है।